पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने पीएफआई पर लगाए गए प्रतिबंध पर बोलते हुए कहा कि सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित उन संगठनों या संस्थाओं को किया जाता है जिनकी गतिविधि संदिग्ध होती है। भारत सरकार के सारे विषय की जांच करा रही है। पीएफआई की स्थिति संदिग्ध मानी है, उनकी गतिविधि देश के हित में नहीं है और ऐसी संस्थाओं के व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा जिनकी गतिविधि देश के हित में नहीं है और समाज के खिलाफ है। उनकी गतिविधि संदिग्ध पाई है, इसीलिए उन पर जांच का दायरा बढ़ा है। जांच में जो जो चीजें सामने आएंगी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। पीएफआई एक संगठन है जिसको सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखो, प्रतिबंधित उन लोग संगठनों को या संस्थाओं को किया जाता है जिनकी गतिविधि संदिग्ध है। भारत सरकार ने सारे विषय की जांच कराकर और पीएफआई की गतिविधि संदिग्ध मानी है, देश के सुरक्षा के हित में नहीं है और ऐसी किसी संस्थाओं को व्यक्तियों को निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो जिनकी गतिविधि देश के विरोध में है, समाज के खिलाफ। उनकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई है, इसलिए उनके खिलाफ जांच का दायरा बढ़ा है और जांच में जो जो चीज़ें सामने आएंगी सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। सर, सपा 2 दिवसीय सम्मेलन करने जा रही है, क्या कहेंगे? और सपा भी उनसे अलग हो चुके हैं और गठबंधन में जा रहे हैं दूसरे। समाजवादी पार्टी प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल है और जो आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की बात कही तो उनके जो चीज़ें तय हैं, उन जो तय चीज़ें हैं उन्होंने निर्धारित कर ली हैं। उनके यहाँ जो भी दायित्व हैं, पद हैं, वो उनके परिवार के उनके अपने लिए आरक्षित हैं, उन पर आगे बढ़ेंगे वो। और उनके बारे में अनुभव जो उनके पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन के साथी सहयोगी रहे हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके मित्र हैं, उनके भाभी हैं, उनके चाचा हैं, सब पर उन्हें जवाब देना चाहिए लोग। तो मेरा उसमें यही कहना है कि जो चीज़ें उन्होंने निर्धारित हैं उनकी अधिवेशन में वो होंगी चीज़ें, लेकिन अखिलेश यादव को इन सारे विषयों पर जरूर समाज को जवाब देना चाहिए। सर, आने वाले दिनों निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव आएंगे, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कमजोर बताई जाती है, क्या कैसे आप करेंगे कि मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है विधानसभा की तरह मतलब अपने निकाय चुनाव में? देखो, ऐसा विधानसभा चुनाव में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वेस्टर्न यूपी का इलाका कहलाया जाता है उसमें बीजेपी 136 सीटों में से 93 विधानसभा की सीटें जीती है। तो मुझे तो लगता नहीं इतना बड़ा जनादेश की संभावनाएं और कुछ हो सकती है। इतना बड़ा जनादेश मिला, हम राजनीतिक दल हैं, हमारे लिए हमेशा बेहतर करने की चुनौती होती है। हम उस चुनौती को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम लोग तैयारी अपनी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाकर, विशेष रणनीति बनाकर हम लोग नगर निकायों की तैयारी कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि सरकार के नेतृत्व में, राज्य के नेतृत्व में जो नगर निकायों ने काम किए हैं उन कामों के आधार पर और अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत, संपर्क के आधार पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी।